It starts from the day before. We clean the house, clean the God's room and all that. And the next day morning, we put all this muggu and this sugarcane that you see here, it represents the harvest season. And because during harvest season, everybody is happy, we tend to fly kites and all that, because there's more grains, more food to eat. And we have people from other families coming over, and they cook a lot of good food, boorelo, pulihara, perugvadalo, arisalu. We cook all that, invite everybody for lunch. मैं बिहार से हूं और मुझे तमिलनाडु में ये पोंगल फंक्शन बहुत अच्छा लगता है और हमारे सोसाइटी में लास्ट चार साल से हम लोग मना रहे हैं और बहुत ग्रैंड वे में मना रहे हैं. ये जो पोंगल खत्म होते जा रही है उसको हम लोग बच्चे लोगों को याद दिलाते हैं कि कैसे पोंगल होती है और इसको हम लोग ये कर रहे हैं. सो मेनी फंक्शन वी आर सेलिब्रेटिंग हियर नाउ. हट ऑल्सो मेड, डक ऑल्सो इज देयर एंड वी आर डिनर ऑल्सो, लंच ऑल्सो, ऑल आर देयर. हम पिछले 90 साल से चेन्नई में बसे हुए हैं. आज तमिलनाडु में पोंगल जो यह महत्वपूर्ण जो फंक्शन है वो मनाया जा रहा है. और ये जो पोंगल है ये किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है और ये पूरे तमिलनाडु में हर गांव में ये मनाया जा रहा है. और सिटी में चेन्नई में आज हम यहाँ आप देख रहे हैं पूरी तरह से धूमधाम से मना रहे हैं.